नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। बालाघाट जिले के लांजी थाना अंतर्गत अस्थायी पुलिस चौकी टेमनी के समीप छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की सूचना मिली है, जिसके संबंध में बालाघाट एसपी अभिषेक तिवारी ने बताया कि बालाघाट पुलिस की देवरबेली हॉक फोर्स और टेमनी हॉक फोर्स की टीम सुबह सर्चिंग पर गए हुए थे। ग्राम टेमनी के समीप टांडा नदी के पास मुठभेड़ होना बताया गया है। नक्सली मौका देखकर भाग गए। वहीं पुलिस टीम को मौके से एक 12 बोर की बंदूक भी मिली है, जिससे प्रतीत होता है कि कोई नक्सली घायल हुआ है। दोनों तरफ से तकरीबन 10 से 12 राउंड गोलियां चली हैं। पुलिस पार्टी अभी वापस अपने कैंप नहीं लौटी है, सर्चिंग जारी है। नक्सलियों के 25 से 30 की संख्या में होने की संभावना है। इस समय चूंकि लॉकडाउन चल रहा है, ग्रामीणों के पास इतना अनाज नहीं है नक्सलियों को दे सके। ग्रामीण जन खुद परेशान है, जिसकी सूचना पर ही कार्रवाई की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान टुडे। उसके आसपास नक्सल गतिविधियों की सूचना आ रही थी, जिसमें एक इंटर डिस्ट्रिक्ट जो ऑपरेशन था, इंटर स्टेट ऑपरेशन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पुलिस का, वो दिया गया था। और इस ऑपरेशन के चलते आज सुबह करीब 7:30-8 बजे जो है नक्सल पार्टी और पुलिस का आमना सामना हुआ, जिसमें कि नक्सल ग्रुप ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने की तरफ से ही फायरिंग हुई है, और कुछ समय बाद जब फायरिंग हुई है तो वहां पर उस क्षेत्र का जब सर्चिंग की गई तो वहां पर नक्सलियों का कुछ सामान और एक उनका वेपन प्राप्त हुआ है। वो वेपन 12 बोर का भरमार प्रतीत हो रहा है। अभी जब वो वापस आएगा तो उसकी और गहनता से जाँच होगी कहाँ से आया है, और वो क्योंकि वेपन वहाँ मिला हुआ है, छोड़ के गए हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद नक्सल पार्टी में से कोई एक घायल है और जो अपना वेपन छोड़ के वहाँ से भागे हैं। तो लगातार उस क्षेत्र की सर्चिंग की जा रही है। 4 पार्टीज और भी हम लोगों ने डिप्लॉय की हैं, जिससे कि उनके भागने के रास्तों को नाकाबंदी की जा सके। सर, कितने राउंड फायरिंग हो रहा है, कितने देर तक चलता रहा सर ये पूरा घटनाक्रम? करीब आधे घंटे तक चला है। नक्सल पार्टी की तरफ से करीब 10-15 राउंड फायरिंग हुई है, और पुलिस की तरफ से